सो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रैनी के ऐसे 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता होंगे। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप लोगों को जरा से भी पसंद आ गए तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे वीडियो में कमेंट करें, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझको बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे अच्छे वीडियो लाने के लिए। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने ग्रैनी को शॉटगन या फिर क्रॉसबो से मारे होगा, बट मैं आप लोगों को आज एक ऐसा वेपन बताने जा रहा हूँ जो कि शायद से आपने कभी भी यूज़ नहीं किया होगा, और ये वेपन बहुत ही खतरनाक है, और उस वेपन का नाम है गैसोलीन कैन। यस, आप लोगों में से बहुत सारे जन अभी बोल रहे होंगे तू पागल वागल हो गया क्या, गैसोलीन कैन कैसे वेपन हो सकता है, इससे तो हम गाड़ी का फ्यूल भरते। तो रुको गाइस, मैं आपको बताता हूँ गैसोलीन कैन को हम वेपन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अभी देखो आपको बस क्या करना है, एक शॉटगन लेनी है और आपको बस गैसोलीन कैन पे एक निशाना तान के फट से हेडशॉट बजाना और गैसोलीन कैन फूट जाएगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ ग्रैनी को इस गैसोलीन कैन से कैसे मारा जाता है। सो पहले तो आपको एक गैसोलीन कैन ऐसे रास्ते में रखना है जहाँ से आप ग्रैनी को बुलाना चाहते हो। सो पहले तो कोई भी आवाज करो और ग्रैनी को अपने पास बुलाओ, और जैसे ही ग्रैनी उस गैसोलीन कैन के पास आएगी तो आपको बस उस गैसोलीन कैन को शूट करना है। और ग्रैनी देखो कितने दूर जाके उड़ गई, ग्रैनी के तो चितड़े चितड़े हो गए रहेंगे, मतलब ये एक तरह का बॉम ही, और इसका इम्पैक्ट इतना है कि ग्रैनी 2 मिनट 30 सेकंड के लिए डेड हो जाती है। ये देखो ग्रैनी की क्या हालत हो गई, पैर ऊपर हाथ नीचे, पूरी गर्दन बिर्दन मरोड़ गई, भाई ग्रैनी तो गई काम से। और हाँ, अगर आप गैसोलीन कैन को यूज़ भी करते हो, मतलब आप उससे गाड़ी में फ्यूल भी भरते हो, तो वो खाली होने के बाद भी एक्सप्लोड होगा, सो आप तब भी उसको एक वेपन की तरह यूज कर सकते हो। ओके, सो ग्रैनी का नेक्स्ट सीक्रेट बहुत ही खतरनाक है, और इसको करने से पहले मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, अगर आप ये चीज कर रहे हो तो पहले तो ग्रैनी को मार दो, नहीं तो ग्रैनी आपको पक्का मार देगी। सो आपको इस जगह पे आने और एक ग्रैनी का टेडी लेना है। अभी एक ग्रैनी का, उसके बेटे का या फिर उसके किसी का खानदान के परिवार का उसका टेडी है, बट अगर आपने इसको छुआ तो ग्रैनी बहुत ही बौखला जाती है और उसको बहुत ही गुस्सा आता है और पागल हो जाती है। आपको बस क्या करना है, टेडी को लेके इस ऊपर वाले फ्लोर पे आना है और आपको इस रूम में जाना है। इस रूम के अंदर आपको एक पालना दिख रहा होगा, उसके अंदर इस टेडी को डाल देना है, और इस टेडी के अंदर जाने के बाद आप सिर्फ देखो, इसके बाद यहाँ पर एक आत्मा स्पॉन होगी जो कि दादी की पोती सेलेंड्रिना की होगी। वो आपको कुछ भी नहीं करेगी, वो बस आपको देखते रहेगी और कुछ देर बाद खुद ब खुद डिस्पॉन हो जाएगी। ओके, सो ये सीक्रेट भी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आपको बस क्या करना है, कौन सी भी एक चीज़ लेनी है और आपको गैरेज में सीधा आना है, और गैरेज में आने के बाद आपको इस रूम में वो चीज़ डाल देनी है, और फिर आपको बस ग्रैनी का आने का वेट करना है, पर उसके पहले आपको इस गाड़ी में जाकर छुपना है, नहीं तो ग्रैनी आपका ढोल बजा देगी। सो आपको बस अभी ग्रैनी का आने का वेट करना है, ग्रैनी जैसे ही अंदर जाएगी आपको इसका डोर लॉक कर देना है, और आपको बस अभी वेट करना है। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐसे सामने खड़ा रहना है, आप जो सामने जो गेट का लॉक देख रहे हो वो तोड़ के ग्रैनी बाहर आ जाएगी, और वो अगर एक बार लॉक टूट जाता है तो फिर वो वापस जॉइन नहीं होता। अभी बस आप देखो ग्रैनी कैसे इस दरवाजे को तोड़ के बाहर आते है, और ये ग्रैनी ने दे दिया।